और इधर लोहरदगा में उठी आग की चिंगारी अब रांची पहुंच चुकी है। मृतक नीरज प्रजापति को बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन रिम्स पहुंचे हैं और परिजन रिम्स में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीरज के शव को लोहरदगा लेकर रवाना हुए। लोहरदगा जिले में सीए एनआरसी एनपीआर के समर्थन में कुछ सामाजिक संगठनों ने जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। मामला तूल पकड़ा और लोहरदगा जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। घटना में घायल नीरज राम प्रजापति को इलाज के लिए रिम्स लाया गया, जहां इलाज के दौरान नीरज की मौत हो गई। नीरज के परिजनों का आरोप है कि उस दिन की घटना में चोटिल हो गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। वही घटना से आक्रोशित धार्मिक संगठन के लोग बड़ी संख्या में रिम्स पहुंचे। लोगों की भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। आक्रोशित लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। चाहते हैं कि मेरा भौजा और मेरा दोनों बच्चा के साथ में इंसाफ हो और उसका सहारा दीजिए आप लोग। हम लोग सब मिलकर उसका जिंदगी भर का सहारा दीजिए। रिम्स के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे रांची पुलिस के अधिकारी ने मामले को शांत करवाया और पोस्टमार्टम के उपरांत शव को लोहरदगा के लिए रवाना किया गया। एसडीएम ने कहा है कि मृतक के आश्रितों के द्वारा एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया है। हत्यारे जो हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और जिनकी हत्या हुई है उन्हें मैं इतना ही कहूं कि सरकार बड़ा संवेदना के साथ में जो उनको मुआवजा मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलने चाहिए उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करे, ऐसा मुझे लगता है। और जो इनके दोषीदार हैं उनको तो कड़ी से कड़ी सजा दें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना प्रतिनिधित्व और संघ की ओर से सभी लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे और मांग प्रस्तुत करेंगे कि उनके आश्रितों को उचित न्याय मिले और जो भी हो सके उनको मुआवजा। रिम्स में ब्लीडिंग के कारण ब्रेन हेमरेज वजह बताई गई, जो कि डॉक्टर्स ने कहा, और उसकी वो जांच परीक्षण कर रहे हैं और आपस में कंसल्टेशन के बाद वो एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और जिसके बाद वो लोग रिपोर्ट हम लोगों को देंगे। जाहिर है लोहरदगा जिले की घटना में घायल नीरज राम प्रजापति के मौत के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। दोषियों पर कार्रवाई और मृतक के आश्रितों को मुआवजा राशि के साथ नौकरी देने की लिखित ज्ञापन देने के बाद शव को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोहरदगा के लिए रवाना किया गया। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान और सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।